नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। आप देख रहे हैं भागवत संदेश, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो संदेश जो उन्होंने 24 सितंबर 2022 को राजधानी दिल्ली में दिया था, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अंग्रेजों और मुगलों के आने से पहले भारत की रचना अलग थी। एक दूसरे को समझ कर सारा प्रशासन चलता था और उस वक्त कठोरता नहीं थी बल्कि आत्मीयता थी। हम सब लोग यहाँ इसलिए है कि हम चाहते हैं कि भारत की दृष्टि से भारत में प्रशासन चले, संकल्प उसका प्रशिक्षण देती है। उसकी आवश्यकता इसलिए है कि पहले जो रचना थी मुगलों के आने के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले, वो हमारी रचनाएं अलग थी। केंद्रीय प्रशासन नहीं होता था, स्थानीय प्रशासन होता था। वो गांव के ही लोग रहते थे, अपना अपना काम करके गांव को चलाते थे। सब एक दूसरे को जानते थे, इसलिए सबको कुछ लिहाज से एक दूसरे के साथ बरतना पड़ता था। तो एक तरह से हर एक ग्राम स्वायत्त था और सब एक दूसरे को जानते थे, इसलिए एक दूसरे को समझकर सारा प्रशासन चलता था। तो प्रशासन कहने के बाद उसमें एक जो कठोरता शब्द में ही ध्यान में आती है, वो प्रत्यक्ष जब चलता था देश तो उसमें ये कठोरता नहीं थी, आत्मीयता आती थी। लेकिन ठीक है, उस जमाने के लिए ठीक था। उसका उसका डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते कि एक नुकसान भी ये हुआ कि प्रत्येक गाँव स्वायत्त था और सारे देश को कभी भी कोई भी आक्रामक जीत नहीं सका। गांव-गांव स्वतंत्र ही रहा तो भी देश परतंत्र हुआ, उसका लेना देना गांव से कुछ रहा नहीं, ऐसा भी हुआ। तो ये दोनों प्रकार से विचार कर सकते, लेकिन आज का जमाना हमारा केंद्र शासन, राज्य शासन, ग्राम पंचायत तक नीचे तक जाता है और उसमें प्रशासक होते, और ये ढांचा हमको क्रमशः मिलते गया है और अंग्रेजों ने उसको एक बहुत सुदृढ़ रूप बनाकर हमारे यहाँ रखा। तो ढांचा हो सकता है कुछ भी, लेकिन उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारतीय प्रजा का पालन नहीं करना था, अंग्रेजों को भारत पर अपना राज्य चलाना था। उसके लिए जैसा आवश्यक ढांचा चाहिए उन्होंने बनाया, उसके लिए जैसा आवश्यक प्रशासन प्रशिक्षण था वो देते रहे।